YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के चैनपुर प्रखंड में मझिगावा पंचायत अंतर्गत पूर्णाम जिगावा एक ऐसा भी गांव है जहां संचालित विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बता दें कि एमडीएम योजना चलाई गई थी बच्चों को विद्यालय से अधिक जोड़ने के उद्देश्य से, लेकिन विद्यालय में कुप्रबंधन की वजह से सरकार की योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय सिंह ने भी मझिगावा के इस स्कूल का जायजा लिया था और समय रहते सुधार करने की नसीहत भी दी थी, लेकिन स्थिति पूर्ववत है। जिला परिषद सदस्य संतु चौरसिया आज विद्यालय में अकस्मात निरीक्षण क्रम में पहुंचे और नामांकित 90 बच्चों में से मात्र 25 बच्चों की उपस्थिति देख हैरत में पड़ गए। यहां 5 शिक्षक पदस्थापित हैं और उनमें से 3 अनुपस्थित पाए गए। वहीं ग्रामीणों ने भी विद्यालय में एमडीएम योजना की खस्ता हाल में होने की बातें कही। बताया कि शिक्षा के नाम पर यहां पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। पूछताछ के दौरान बच्चों में बौद्धिक क्षमता का स्तर भी सामान्य से कम पाया गया। इस संबंध में जीप सदस्य संतू चौरसिया ने मामले पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। कहा, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय प्रबंधन की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।